देखिए उत्तराखंड में एक महीने से नाराज चल रहे हरक सिंह रावत पर बीजेपी की कड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम पुष्कर धामी ने कैबिनेट से उन्हें बर्खास्त किया तो पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। अनुशासनहीनता के आरोप में की गई है ये कार्रवाई। अपने लोगों को टिकट दिलाने की मांग पर अड़े हुए थे हरक सिंह रावत। पुष्कर धामी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे उनसे आज से संबंध नहीं है, पुराने संबंध है। मेरे पिछले 30-35 सालों से पुष्कर धामी जब बच्चा था, उनकी शादी हुई तभी मैं उनके साथ गया हूँ। तो भाई जैसे सीएम ने हरक सिंह रावत को कैबिनेट से ही बर्खास्त कर दिया और रही सही कसर पार्टी ने पूरी कर दी। 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। चुनाव से एन पहले उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है। हरक सिंह रावत करीब एक महीने से पार्टी से नाराज चल रहे थे, अपनी मांग मनवाने की जिद कर रहे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया। पहले हरक सिंह रावत को कैबिनेट से बाहर निकाला गया, फिर अनुशासनहीनता के आरोप 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। आपको याद होगा कि हरक सिंह रावत 24 दिसंबर को भी नाराजगी जाहिर करते हुए कैबिनेट की मीटिंग बीच में छोड़कर चले गए थे, लेकिन तब पार्टी ने फौरन मान मनोबल की कोशिश शुरू की। अगले ही दिन 25 दिसंबर को हरक सिंह रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे और 24 घंटे में ही उनका हृदय परिवर्तन होता दिखा। बाहर निकलकर सीएम धामी के लिए मुलायम दिल दिखाया और सारी कड़वाहट दूर होने का दावा किया था। पुष्कर धामी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे उनसे आज से संबंध नहीं है, पुराने संबंध है। मेरे पिछले 30-35 सालों से पुष्कर धामी जब बच्चा था, उनकी शादी हुई तभी मैं उनके साथ गया हूँ। शुरू से पुष्कर भाई मेरा छोटा भाई है, उनसे मेरी कोई नाराजगी नहीं। तभी एबीपी न्यूज ने आपको बताया था कि हरक सिंह की नाराजगी की वजहों में सबसे ऊपर है अपनों के लिए टिकट की मांग। 25 दिसंबर को हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे। इस बार वो एक नहीं 3 टिकट के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे थे। खुद के अलावा वो अपनी बहू और अपनी एक समर्थक के लिए भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने इस बार हरक सिंह के सामने झुकने से इनकार कर दिया। हरक सिंह रावत अपनी जिद पर अड़े रहे और पार्टी को मजबूरन उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। अब माना जा रहा है कि बीजेपी से बाहर हो चुके हरक सिंह रावत आज ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उसी पार्टी में जिसे वो 5 साल पहले चुनाव के वक्त छोड़कर चले गए थे। संवाददाता विकास भदौरिया की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।